आपकी आपको बात खुद ही नहीं रिवील करोगे क्या करें। वरिशा क्या आंटी को कह रही हो बताएंगे? सफाई दे देखो माँ पापा भी नहीं देख रहे हैं। ये देखिए जी गोलगप्पे आ चुके हैं, ये उन्होंने एक्स्ट्रा दिया है ना सारा। एकड़ा पानी मीठे वाला मेरे पापा रखो। आप उन फोन कहाँ भूल गए? मिल गया, ये देखो मिल गया। इसकी मम्मा ये तो मेरा देखना कहाँ पड़ा हुआ था। वृषा जल्दी बताओ वापस पड़े लो देखो जरा कब बैठा हो। आंटी फील नहीं होता है वैसे तो बुर बंद है ना। चलो जी चलो पुलाव है जहांगीर का पुलाव है फैसलाबाद का मशहूर फेमस है। और ये लोग अभी आए हैं बाहर से मोबाइल लेके, न्यू मोबाइल लेके जो खो गया था मोबाइल। इसके अंदर क्या विशेष को ओपन करो निकालो। आंटी किधर है? सो गई आंटी। ध्यान से अच्छा ये ऐसे पैकेट्स में होता है। ध्यान से विशेष गिरना जाए। ट्रे लेकर आओ पहले ट्रे लेके आओ। निकाल ले चलो जी। बाबा जहांगीर से पलटन लगे जी अच्छा सात इंची कबाब पैकिंग लगी साफ सुथरी है सही है। ये सेकंड प्लेट और बाकी प्लेट सब इसके अंदर मिल गई है। सब अभी ये खाने लगे। रात के टाइम ना सफर कटता बड़ी आसानी से। कैसे लगे आपको राइस? अच्छे मज़ेदार मज़ेदार रोटी साथ कबाब जहांगीर का पुलाव है। हमारे उधर है नवीद मुर्ग पुलाव, ये फैसलाबाद का मशहूर है जहांगीर मुर्ग पुलाव। अब मुर्ग पुलाव तो हर इलाके में खा गए। जहांगीर ने खाया, कायनात ने तो खाया है ना। जी इमरान यहाँ पे सोए हुए थे, सोकर उठे हैं और पीने हैं चाय मिस वरिशा के साथ। मैंने हेलो गाइस ये केक रस बहुत अच्छे हैं, वेरी डिलीशियस। चाय पी लो। हेलो गाइस चाय पी लो। हेलो गाइस चाय पी लो। वरिशा आपने चाय पी ली? पी ले। यहाँ पे आंटी बना रही है जोहा का हेयर स्टाइल। हेयर स्टाइल बना रही है जोहा का। जोहा दिखाओ हेयर स्टाइल, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा ਨਹੀਂ ਹਾਈ ਜਦੋਂ ਵਫਾਕ ਕੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਅਗਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ ਅਲੱਗ ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰ, ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ। ਓਕੇ ਸਰ ਜੀ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਮੀਲੀ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਫਰੀਦ ਦੀ ਵਾਰਕ ਨਿਕਲੇ ਨਾ। उसके बाद हमने उठ के तैयारियाँ वगैरह की और यहाँ पे मैं तैयार होने लगी थी क्योंकि हम लोग जा रहे थे लाइटपुर गैलरिया और बस उसी की तैयारी थी। कायना तो निकल गई थी हुरम के साथ। अब आते हैं मुस्तफ़ा, क्या करना है आपने? बस वरिशा रेडी होगी। वरिशा फुल ड्रेस दिखाओ अपना। टान भी रेडी हो चुके हैं, हम जा रहे हैं गैलरिया। कह रहे हैं बस उठा लो। यहाँ हम लोगों को तैयार होते होते इतनी देर हो गई थी, बल्कि मेरी वजह से लेट हुई थी। मैं अपना व्लॉग एडिट करने में इतना मुझे टाइम लग जाता है और बच्चा पार्टी तो कब के तैयार होके सब घूम रहे थे। रानी दर्जी गाड़ी साफ़ कर रहे हैं, मिरर साफ कर रहे हैं। मैं क्या मैडम असल शीशा साफ कर दी। हाँ जी जी। अब हम लोग जा रहे हैं गैलरिया। क्या है आंटी नाम उसका? लायलपुर गैलरिया। और मिस वरिशा हमारे साथ है, आंटी है, खाला मेरी और मिस दोहा और ये मिस्टर मुस्तफा इतना खुश है। एक्साइटेड की तरह एक्साइटेड हो रहा है। और मिस्टर हसन इधर आगे मेरे साथ बैठे हुए। हुरम और कायनात पहली बार पहुंची हुई है। वो तो बहुत पास है जी। गैलरियां बंद हो चुके हैं, हमने वहां जाना था और अब देखे कहाँ जाते हैं। अब कायनात ने कहा जी गैलरियां बंद हो चुके हैं। खुद कायनात देखो कहाँ खड़ी हुई है। अभी वरिशा पूछ रही हो कायनात आप ही से?
और गैलरिया में नो एंट्री हो चुकी है। नहीं आ तो रहे वो ओपन है इधर ही है कायनात पूरम को झूले वगैरह दिलवा रही है। अब देखें जी जल्दी चलो एंट्री बंद है ना। चलो जी चलो प्रीशा उसको फोन करो कि आ जाए उसको को थोड़ा सा लॉक खुद ही बनाती आओ एंट्री थी बंद हो चुकी है और कायनात तो अंदर है काफ़ी देर से और वो हमें कह रही थी कि आ जाओ आप भी अंदर लेकिन बट एंट्री नहीं है। इमरान ने अच्छा किया नहीं निकले। यहाँ पे जी देख लें आप रश कितना ज़्यादा है और एक और देखें ये ब्लॉगर भी लगा हुआ है फुल मुसलसल वीडियो बनाने के चक्कर। यहाँ पे कायनात का वेट करे कूलर लगाया हुआ है ताकि ये है ना आराम से बैठ। आते आते थर्ड फ्लोर पे गए हैं वो लोग आते आते टाइम तो लगेगा। ये देखिए जी कायनात आ रही है और साथ हुरम है ये मिस कायनात है। अच्छा 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ और आप लोग खड़े गर्मी तो नहीं लगी ज्यादा उधर उन्होंने सिटिंग अरेंज रखा हुआ था और आगे रखा हुआ कूलर कि जो लोग वेट कर रहे हैं वो कूलर के आगे बैठ जाए। 10:45 पे कहते हैं 11:15 कहते हैं हमारी टाइमिंग हो जाती है बंद। काफी लोग आ रहे हैं लोग कहते हैं जी हम दूर से आ रहे हैं वो कहते नहीं जी बंद करें। और हुरम आपने एंजॉय किया क्या लेके आई हो अपना पिलो लेके आई हो कायनात आपने लेके दिया तुमने सही इसको एंजॉय करवाया है। आंटी नायला इधर खड़ी हुई अभी तो प्रीशा तुम्हारे शूज घर छोड़ आई थी कैसे चलो आज हुरम चले आपको थक गई तो नहीं गई हुरम हमें एंजॉय किया था जंपिंग वाले। हाँ हाँ इसके अंदर हील भी फंस जाती है मैं दो दफा यहाँ से ऐसे ध्यान से निकली लेकिन मेरी हील दूसरी है मिस कायनात। चलो जी तो यहाँ पे सब बैठ रहे हैं क्या हुआ सब बैठ गए सब ऐसे देख ले कैसे फंस फंस के बैठ रहे हैं आगे पीछे होके। आंटी की गोद में बैठेगी हुरम और हसन बैठेगा मेरे आगे साथ में। आज एक गाड़ी आई है शेरी भी और अंकल फयाज घर पे ही है। चले आज हसन आ जा आ जा। और ये जी ये बंद हो चुका है जिसकी खातिर हम लोग आए थे हमें घर से निकलते निकलते लेट होता ही होता है। फोन कहाँ भूल है मिल गया ये देखो मिल गया मेरे और मेरा देखना कहाँ पड़ा हुआ था प्रीशा जल्दी बताओ वापस पड़े लो देखो जरा हुरम इस काबिल है का है ना यार आई फोन है आपने इस तरह रख दिया उसको हुरम तो किसी काबिल नहीं है सेकंड के लिए पकड़ाया था सुना देख ये ऐसे ही चलो आज हुरम चले आप ऊपर थक गई तो नहीं गई हुरम रश नीचे करना जरा अरे कायनात बस कर देगी अल्लाह तवक्कल तुझे मिला है फोन। ये जी वहाँ कायनात वो जो बेंच पे शीशा नीचे करना जरा ये वो जहाँ बेंच पे वो लेडीज बैठी हुई है ना वहाँ अपना भूल आई थी अल्लाह ने दिया बाप से अल्लाह ने दिया तुझे याद आ गया कायनात ये इमरान का भी ऐसे ही फोन रखाती है हुरम वो लड़की उसके ऊपर बैठी हुई थी मोबाइल के मैं उठती तो मैं इसको पकड़ के तो ले जाती हाँ। बंदा बैठा हुआ ऊपर बंदा बैठा हुआ आंटी फील नहीं होता है वैसे तो बच गया ये ऊपर बैठी हुई थी नहीं बंदा किसी चीज के ऊपर बैठा हो जरा नीचे करना और वो देख भी नहीं रही कल्प्रिट वो लड़की ना लेके जा चली जाती मोबाइल के ऊपर बैठी थी मोबाइल के ऊपर बैठी देखो जरा भाई आप किसी चीज पे बैठते आंटी फील होता है बकायदा मोबाइल लेके जाने के लिए बैठी थी बस अल्लाह ने ना कहा अल्लाह ने बचा दिया अल्लाह ने दिन याद गंदा था रो रोने लगी अच्छा था बच गई हूं असल में रो रही है नहीं दिन अच्छा थी बच गया दिन गंदा होगा दिन अच्छा था घूम रहे हैं किधर है ये हम इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद
अब जी हम रिलैक्स हो चुके हैं, कायनात का मोबाइल मिल चुका है, मोबाइल मिल चुका है, अब कायनात खुशी में हमें गोलगप्पे खिलाने लगी है, ट्रीट दे रही है गोलगप्पों की। मतलब पहले बेचारी था मोबाइल निकला, वो गोलगप्पों के ट्रीट दे रही है। नहीं नहीं नहीं, किधर उस तरफ, इधर ही सही है चेयर्स पे, फिर वहाँ पे मच्छर ना स्टार्ट हो जाए ना। चलो बच्चा पार्टी, नहीं होता वो उधर तो बारिश के बाद थे ना। वही जी, हुरम ने अपना कुशन साथ ही पकड़ा हुआ। अब जी हम इधर आए हैं गोलगप्पे खाने। ये गंदा बहुत जल्दी होगा, लेके ही आई निकाला कैसा। चलो घर जाके देखेंगे, ये इसने कायनात ऑफिस से लिया गिफ्ट, जबरदस्त जिद करके गिफ्ट ले लिया है ना। हाँ, और ये पूरा वो भी बन जाता है, कंफर्टर है कि क्या बनता है, ब्लैंकेट बन जाता है उसको ऊपर करके। आगे इसको देखेंगे, अभी व्हाइट कलर है, इधर ही गंदा हो, इधर ही गंदा कर लेना है। क्या कह रही हो वरीशा, ये फनलैंड है, काली गोलगप्पे भी लेना। इधर आ, बाबू उनमें दो काली गोलगप्पे। कितने की प्लेट है ये, कितने गोलगप्पे होते हैं इसके? 12 होते हैं। आप ऐसा करो, 12 12 तो दो प्लेट्स मंगा लें। हां बहुत है, दो दो प्लेट्स ले। सलीम किधर होता है, इधर ही है माशाला। ये देखें जी, ये इकबाल स्टेडियम है, ये सार सिंह बाग है। तो इधर के हमने सुना था कि पानी पूरी अच्छी होती, पानी पूरी वो गोलगप्पे जो पानी वाले होते हैं, मुल्तान में तो वैसे वो दूसरे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे चने हर शाला था। आप ना हो आप हुरम, ये आपने गिफ्ट लेके ना, हुरम उन बहुत खुश है, लेकिन आज मोबाइल का सिर लाने लगी सी। जुआ जुआ क्या हुआ है, ये हुरम की दुनिया बड़ी, ये छोटी हुरम। हाँ जी दसो, हाँ जी गोलगप्पे खाने लगे। ये कायनात, ये अभी ताज़ी ताज़ी शौक से बाहर आ रही है, ये वरीशा, शौक भी ऐसा कि ये आंटी हसन साद मुस्तफा। ये कड़े गोलगप्पे ने जी, विलेज वैली गोलगप्पे हैं ये। ओके ओके, देखने जी विलेज वाले। तीन किस्म का खट्टा है। अच्छा, ये तीन किस्म का खट्टा है, अलग अलग फ्लेवर का, मीठा खट्टा है। ओके ओके, अच्छा अच्छा, ये अच्छा इसमें यानी कि ये पुदीने वाला, ये मीठे वाला खट्टा, और ये नॉर्मल, ये नॉर्मल खट्टा है, नॉर्मल ही पियाना। आपको कैसे पता कि पुदीने वाला कौन सा मीठा कौन सा? ये सारी हमने बनाने खुद है, इसमें ये बनाने खुद है। ये देखिए चटनियां मैं दिखाती हूँ, ये काफी मजेदार है, ये मीठी है और ये चिल्ली है शायद। वरीशा पूरी ट्रे अगे सामने रख के बैठी, अल्लाह खैर गए। काले चने, ये देखो हमने पहले ही स्टार्ट कर दिए। मेरा गोल, नहीं आपने सिर्फ खाली वाले खाने हैं, ठीक है उरम? हाँ जी गाय देखें, सिर्फ गाय तो खाना बेटा, पीना नहीं, गला ना खराब हो जाए, नॉर्मल नॉर्मल पड़ोगे पीने तो। दोनों खट्टे वाले और ये मीठा। ओके ओके, ये देखिए जी गोलगप्पे आ चुके हैं, ये उन्होंने एक्स्ट्रा दिया है ना सारा, एकड़ा पानी मीठे वाला, ये मीठे वाला ऐसे ही देता है। हां नहीं मीठे वाला तो मैं पाया हूं ना, क्या कर लो ना। चलें जी सब ट्राई करें, शुरू करते हैं। अब इसमें अपनी सॉसेस वगैरह डालें, एक ऐसे करके उठाएं। नहीं वैसे आप पानी पूरी ऐसे भी खा सकते हैं, पानी पूरी भी खा सकते हैं। ये देखिए आप अपनी ये डालें, चटनी की कोली कहाँ है, हसन की कोली की मंगवा लें, और हसन को ज्यादा खट्टा पूरम भी ना खाएगी। देखें कितनी मैं डाल रही हूँ, ये फोकस भी नहीं हो रहा। ये देखें हुरम भी डाल रही है, चाट मसाले के अंदर तुम्हारा चम्मच है। गोलगप्पे थोड़े ने आइटम नाल अपनी ट्रालियां ज्यादा लेके आए ना फनकार आदमी, 300 रुपए जो थोड़ा की जाता बंदा 20 दे दो। मुझे भी खा ले गोलगप्पे। पीछे देखो ना, ना ना लगाए इसको, अब उनको क्या पता कौन देगा। वाह बच्ची को लगा दिया, सफाई दे देखो भजन आइटम ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਦੇ ਦੂੰ ਮੈਂ ਆਈਟਮ ਗਾੜੀ ਕਿਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਗਾੜੀ ਕਿਧਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰ ਆ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਸਭ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਅਬ ਜੀ ਹਮ ਲੋਗ ਜਾਣੇ ਲਗੇ ਹੈ ਹਸਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ ਇਹ ਮੈਂ ਵਾਂ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕੋ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜੈਸੇ ਗੁਜ਼ਰੂੰ ਉਸਕੇ ਯਾਰ ਪਕੜ ਕੇ ਐਸੇ ਖਿੱਚ ਰਹਾ ਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸਕੇ ਬਾਲ ਖਿੱਚੇ ਉਹ ਜੀ ਅੰਕਲ ਬੈਠਾ
वो जो भाई बैठे हैं उनके बाल खींच रहा था कोई हाल ही मुस्तफा का। इस कॉली थी और ये जब पकड़ती है मेरे बच्चों को पीछे मुस्तफा को पकड़ती है, मुस्तफा को मस्ती चढ़ी हुई है, मुस्तफा को मुस्तफा तो मैं जो देख रहा है इसलिए वो कह रहा है कि आपकी प्यारी है तो मैं इसको देखता रहूं है। और जुहा आप क्यों क्यों मेरे बच्चे पे इल्जाम लगाती हो, असल नाम है इसका जुहा है, वहाँ सूरत वजुहा से ना जुहा इंडिया वाले तो अक्सर जुवा कहते हैं, जुवा जोया जुवा जया हाँ जिया ऐसे वरीशा को निशा तो निशा मीशा डिलीवरी हो रही है किया वो ताए ताए बीच में ही रह गया, वो अकेला बीच में रह गया। चल ये गैलरिया के लिए तैयार हुई थी दोनों है? फैमिली हॉल करे ऊपर है। मुस्तफा ने जी अपना काम दिखा दिया है, माशाल्लाह लनु। इमरान गए हैं जी इसके लिए, इसका बेबी बैग लेना है, फिटर भी पीना है। जोहा क्यों लड़ रही हो, सॉस कैसे बना दो जी? चुप रह के उसको सोया ही रहने देना जहाँ भी होगा। निशा अभी जो मामा ने मुस्तफा के साथ किया है ना वो वाला मतलब वो वाली बात उसने डिस्क्लोज वो मम्मा खुद ही करेंगी। मतलब वो भी अपना मामा को चाहिए था कि वो ब्लॉग सुना भी आपको बात खुद ही रिपीट करोगे क्या करें। ये स्टोरी मैं सुनाऊंगी मुस्तफा को दिखाने के साथ साथ, अभी जरा मुस्तफा की कंडीशन देख लें आप क्या। मुस्तफा की कंडीशन देखो अगर ये चिकन की बात है हेलो वालेकुम सलाम। ये पूरम की दुनिया है क्या ना, असि लाल जी अज जरा एक देसी होटल च आए हैं। तो ये है विष्णु दी जुहा, ये हमारी आंटी हैं। हाँ जी और ए देखो ना 10-12 दही इकट्ठे दे गए ने, अल्लाह खैर करेगा। हाँ जी ये देख पूरम। हाँ जी सुनाए खाना सही सही चीज़ है मंगवा ली है मैंने। अच्छा चलो ये पूरियां सीखने आ गई ना, और आनी है। अच्छा मैं आ रही हूं अभी सच के कढ़ाई सब्जी क्रीम वगैरह है। पूरी किलो पे और पूरे 800 ग्राम भी नहीं लगती, मानो 700 ग्राम। ये किसका है? 300 किलो का। मेरे फोन से कहा चलो आप कर लें, नंबर दे दो इमरान को शेरी को। ये है चिकन का कीमा, सीक कबाब कढ़ाई, और ये है जी टिक्के। रोटियाँ भी काफ़ी फ्रेश हैं। और खाने का टेस्ट कैसा है? ठीक है, सही है। वरीशा क्या आंटी को कह रही है बताई? नहीं क्या कह रही है, सोचना भी ना। वरीशा क्या कह रही यार, खाना उठा लो मैडम। चोरी करने आए हैं। क्या करने है, क्या करने है? हम लोग जा रहे हैं, ये इमरान खड़े हुए हैं, हसन उनको देख देख के हंस रहा है, उनको देख देख के हसन बाबा हंस रहा है। बैठो हो रहा चलो बैठो, अल्लाह हुरम के साथ मुस्तफा दिखाना किस हालत में गया था और किस हालत में आया। ये देखे कारा देखिए आइस कैसे कर रहे हैं, अब इतनी दूर से तो नहीं इसकी आंखों में आंटी फ्लैश लाइट गई। आंखों को ऐसे मटकाता है, घर में भी ऐसा दिखाओ ना इसकी।
विदाउट निकर बस इसके। उसके बाद हम लोग घर आ चुके थे और मैं आपको वो वीडियो दिखा रही हूँ जो कायनात ने बनाई थी अपनी फ्रेंड की बेटी के बर्थडे पे गई थी। मैं उरम को ले आई हूँ इधर लाइफुल गैलरिया में और सनापी लोग इतना लेट हो गए हैं कि वो इधर पहुँच नहीं सके और मॉल ऑलमोस्ट क्लोज है। न्यू आने वाले मेम्बर्स को वो नहीं इधर आने देंगे जस्ट बिकॉज दे आर लेट। उरम उरम आप क्या कर रही हो? और आप टिकट से क्या करोगी? हैं उरम टिकट से क्या करोगी? यू गॉट 30 टिकट्स। उरम आपको मजा आ रहा है? उरम मजा आ रहा है? ठीक से करो, जब जब वो आएगा तब प्रेस किया करो। और आप देख रहे हैं कि हुरम ने कायनात के साथ काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया और कायनात ने हुरम को काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग भी करवाई और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करवाया। बल्कि इस फैसलाबाद के टूर में मैंने इतना अपने बच्चों को इंजॉय नहीं कराया जितना कायनात इंजॉय करवाती है। और सच्चा ब्लेसिंग मैं आपको बताऊँ सिस्टर है और सब पूछ रहे थे कि कौन है, कि मेरी कज़न सिस्टर है, मेरी खाला की बेटी है और मेरी कोई सिस्टर नहीं है। और मुझे कभी कभी फील भी नहीं हुई है, मैं आपको सही बात बताऊँ, काफ़ी ज़्यादा मेरे बच्चों से प्यार करती है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। और हुरम और कायनात ने इसको इतना एंजॉय करा, इतने इसको मजे करवाए ना कि बस। और आज का व्लॉग इतना ही था, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।